बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से कांग्रेस लाल पीला हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पद की गरिमा रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपने भाषण के दौरान ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो किसी देश के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया होगा। पीएम पद का हम सब आदर करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पद की गरिमा रखें? प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी जगह जगह कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, वहीं हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है रोजगार और नौकरी हमारी सरकार बनने पर 8,500 हर माह गरीब परिवार को मिलेगा। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के वीडियो के साथ सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किया। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पद की मर्यादा रखें? मैं कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आपने कहा है कि देश आपके परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति आंखों में शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। इस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके वीडियो में ये कही है। सुनिए जरा प्रियंका गांधी का यह वीडियो जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए हैं, आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थीं। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखें? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देनी लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबर वाला 24 न्यूज़।